हाँ जी, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम मोहित ढिंगरा, वेलकम अगेन टू अपेक्स इंस्टीट्यूट बठिंडा। सो अपेक्स इंस्टीट्यूट बठिंडा दी ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस दे विच एक बारी फिर तुहाडा सारिआं दा स्वागत है जी। सो डेली शाम नूं 4 बजे आपां डिस्कस कर रहे इंपॉर्टेंट अपने पंजाब जीके दे सैशन नूं, एमसीक्यू सैशन नूं। सो अज दी क्लास दे विच वी आपां पंजाब जीके दे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नूं डिस्कस करांगे, ठीक है जी। सो अज दी अपनी सैकेंड क्लास है। सो इस तों पहलां अपनी क्लास यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, पिछली क्लास तुसी देख सकते हो जिद विच आपां पंजाब जीके दे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नूं डिस्कस कीता सी, ते अज दे सैशन दे विच वी आपां इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नूं डिस्कस करांगे। डेली शाम नूं 4 बजे यूट्यूब ते अपनी लाइव क्लास हुंदी है, ठीक है। ते अपकमिंग पंजाब गवर्नमेंट जॉब्स एग्जामीनेशन दे लई, चाहे वह क्लर्क है, पटवारी, एक्साइज है, पंजाब पुलिस, SI, सो सारे एग्जाम्स लई तुहाडे क्वेश्चन जरूरी होणगे, इंपॉर्टेंट होणगे। ते ऑफलाइन क्लासेस दे लई तुसी इस नंबर ते कॉल करके भी पुछ सकदे, ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं अस अपने सेशन नूं, ते देखते हैं फिर अस अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे तुहाडे सामने है। फर्स्ट सब तो पहला तुसी आंसर दो इस क्वेश्चन का, फिर आप डिस्कस करांगे भी इस क्वेश्चन का सही आंसर की होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंग्लो सिख वॉर डलहौजी अनेक्स पंजाब, यानी कि किहड़े एंग्लो सिख युद्ध विच डलहौजी ने पंजाब नूं अपने नाल मिला लिया सी, पहले, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे। हाँ जी, सो किहड़ी एंग्लो सिख लड़ाई सी जिहदे विच लॉर्ड डलहौजी है जिहड़ा उन्हें पंजाब नूं अपने अपने एरिया, अपने शासन, अपनी हुकूमत दे विच मिला लिया सी, आपां इह दसना है डलहौजी। हाँ जी, सो किहड़ी एंग्लो सिख लड़ाई सी, सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सीगी जी दूसरी एंग्लो सिख लड़ाई। सो सैकेंड एंग्लो सिख वॉर, सैकेंड एंग्लो सिख वॉर कदों हुई सी? सो सैकेंड एंग्लो सिख वार हुई सी 1848-49 दे विच, जिहदे विच 1849 दे विच की हुंदा है, लॉर्ड डलहौजी है जिहड़ा वह पंजाब नूं अपने शासन दे विच अपने नाल मिला लैंदा, क्लीयर है। सो पंजाब ते कब्जा कर लैंदा 1849 दे विच, ते आपां नूं पहली एंग्लो सिख वॉर भी पुछी जांदी है, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर ये कदों हुई सी? सो पहली जिहड़ी एंग्लो सिख वॉर है ये हुई सी 1845-46 दे विच। सो आपां दोनों याद रखनी है, पहली एंग्लो सिख वॉर हुई सी 1845-46 दे विच, दूसरी एंग्लो सिख वॉर हुई सी 1848-49 दे विच, ते दूसरी दे विच लॉर्ड डलहौजी है जिहड़ा उन्हें पंजाब नूं अपने एरिया दे विच अपने शासन दे विच मिला लिया सी, ये आपां याद रखना है, लॉर्ड डलहौजी। हुण लॉर्ड डलहौजी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड डलहौजी कि नीति लैके आया सी? ये लैके आया सी लैप्स नीति, है ना, जिन्हों आप कहने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति भी कौन लैके आया सी? लॉर्ड डलहौजी। इंडिया दे विच पहली रेलवे लाइन, सो फर्स्ट रेलवे लाइन ये भी चली सी 1853 दे विच, बॉम्बे तो लैके थाने तक कितने किलोमीटर लंबी लाइन सी? 34 किलोमीटर लंबी लाइन सी, ये भी लाइन रेलवे लाइन पहली किन्ने चलाई सी? डलहौजी ने चलाई। सो डलहौजी इंपॉर्टेंट है, डलहौजी ने पंजाब नूं अपने एरिया दे विच मिलाया सी दूसरी एंग्लो सिख लड़ाई। सो इहदा अपना आंसर हो जूगा जी बी ऑप्शन, दैट इज सैकेंड एंग्लो सिख वॉर, क्लीयर है। 1848-49 ते पहली सी 1845-46, क्लीयर है जी। चलो सो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन ते, सैकेंड देखो की है, विच वर द टू प्रोविंसिज ऑफ पंजाब ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। सो कहिंदे मुगल काल के दौरान पंजाब के दो सूबे किहड़े सी? सिंध लाहौर, सिंध मुल्तान, लाहौर मुल्तान या फिर लाहौर अमृतसर। सो पंजाब के दो सूबे किहड़े सीगे मुगल पीरियड के दौरान? सो कहने का मतलब की है भी मुगल शासन के दौरान पंजाब के विच दो जड़े इंपॉर्टेंट सूबे से प्रोविंसेस से वह किहड़े से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर करो इस क्वेश्चन का, देन आप देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर की हो। हाँ जी, सुमित करदा तुसी अपना आंसर सोच लिया होगा। सो इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट आंसर की होगा जी? सी ऑप्शन, दैट इज लाहौर ते मुल्तान। सो सी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर, लाहौर ते मुल्तान। सो लाहौर ते जिहड़े मुल्तान है यह पंजाब दे विच, सॉरी मुगल शासन के दौरान पंजाब दे विच दो इंपॉर्टेंट प्रोविंसिस सी, दो इंपॉर्टेंट सूबे सीगे, ये आप याद रखना है। सो मुगल पीरियड पंजाब दे विच शुरू हो जाता है, इंडिया शुरू हो जाता है 1526 तो। सो 1526 तो लैके 1707 तक
ये अपना रहिंदा जी मुगल पीरियड ते 1526 दे विच पहला जिहड़ा मुगल राजा आंदा है ओह कौन आंदा है बाबर जो कि गुरु नानक देव जी का कंटेंपररी सी समकाली सी। उस तो बाद आंदा जी हुमायूं हुमायूं जो कि अपने सेकेंड गुरु गुरु अंगद देव जी का समकाली सी। ये भी आप याद रखना है तो ये चीज़ आप पिछले सैशन के विच भी आप पढ़ी सी। से 1707 दे विच है ना औरंगजेब की डैथ तो बाद मुगल पीरियड एक तरीके का खत्म हो जाता है क्योंकि औरंगजेब जड़ा है ये आखिरी पावरफुल मुगल राजा होंगे है ना आखिरी पावरफुल मुगल राजा। तो बिल्कुल आखिरी मुगल राजा केड़ा होंगे है वह होंगे जी अपना बहादुर शाह जफर। क्लियर है? सो अपना आंसर होगा जी सी ऑप्शन दैट इज लाहौर ते मुल्तान। नेक्स्ट देखते हैं जी थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है बीड आइशवान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। सो बीड आइशवान जंगली जीव सेंचुरी पंजाब के किड़े जिले विच स्थित है? अमृतसर लुधियाना बठिंडा या फिर संगरूर। सो बीड आइशवान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप दसना है पंजाब के किड़े जिले च इंपॉर्टेंट है बीड आइशवान। हाँ जी चलो सो देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। सो बीड आयुष्मान जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये है जी पंजाब के संगरूर जिले में। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर दैट इज संगरूर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी बीड आयुष्मान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो याद रख संगरूर तो अलग होके ही हूँ अपना केड़ा जिला बनाया दैट इज मलेरकोटला है ना मलेरकोटला जिला बनाया ये अपना 23वां जिला है। बठिंडा का एक पुराना नाम आंदा सी बठिंडा नु पहला बोलते सी जी विक्रमगढ़ ये आप याद रखना है। ठीक है बठिंडा दे विच आपां नूं बीड़ तालाब भी देखने को मिलता है बीड़ तालाब जो कि अपना डियर पार्क है। ठीक है ये भी आप याद रखना है। लुधियाना नूं आपां की बोलते हैं लुधियाना नूं आपां बोलते जी मानचेस्टर ऑफ पंजाब। मानचेस्टर ऑफ पंजाब आपां लुधियाना नूं बोलते हैं तो लुधियाना जिहड़ा है ये अपना सतलुज नदी के किनारे है ये भी याद रखना है। तो अमृतसर ये भी अपना इंपॉर्टेंट जिला है जो कि फेमस अपना जिला है अमृतसर है ना गोल्डन टेम्पल ही फेमस है अमृतसर। क्लियर है? सो याद रखना है डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर दैट इज संगरूर। बीड आयुष्मान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने है संगरूर दे। नेक्स्ट देखो जी अगला क्वेश्चन विच सिटी इन पंजाब इज फेमस फॉर मैनुफैक्चरिंग स्पोर्ट्स गुड्स। सो कहते पंजाब का कहड़ा शहर है जो खेडा के समान के निर्माण लिए मशहूर है? सो खेडा का समान कितने मिलता है लुधियाना पटियाला बटाला या फिर जलंधर। हाँ जी सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खेडा दे समान दे लिए। सो केड़ा जिला जी है? चलो सो खेडा दे जमान समान दे लिए जिहड़ा अपना फेमस जिला है वह है जी जलंधर। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर दैट इज जलंधर। सो जलंधर के विच जिहड़ा खेडा का समान बनता है वह पूरे पंजाब पूरा मतलब ऑल ओवर इंडिया ते विदेशों के विच भी यह समान जिहड़ा है भेजा जाता है। सो जलंधर के विचों याद रखना है। सो खेडा की गल हुई है खेडा के अपने देश के विच एक डे मनाया जाता है जिहदा नाम है जी नैशनल स्पोर्ट्स डे। सो नैशनल स्पोर्ट्स डे आपां नूं पुछया जांदा है कदों मनाया जाता है 29 अगस्त। ते स्पोर्ट्स डे किहदी याद दे विच मनाया जाता है इस दिन जन्मदिन हुंदा है जी किहनां दा मेजर ध्यानचंद है ना मेजर ध्यानचंद। सो मेजर ध्यानचंद जी की याद दे विच ये जिहड़ा है 29 अगस्त नूं स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है ये भी आपां याद रखना है। तो स्पोर्ट्स के विच जिहड़े फेमस अवार्ड दिते जाते हैं वह है जी एक तां मेजर ध्यानचंद अवार्ड। सो मेजर ध्यानचंद जिहड़ा अवार्ड है ये भारत का सब तो वड्डा अवार्ड है जिहड़ा स्पोर्ट्स के फील्ड में जितया जाता है ये भी मेजर ध्यानचंद के नाम से दिता जाता है। ठीक है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन्हों बोलिया जाता है दिस इज द खेल रत्न अवार्ड। ठीक है दूसरा अर्जुन अवार्ड ये भी काफ़ी फेमस है ये भी काफ़ी फेमस है अर्जुन अवार्ड खेडा के दिता जाता है।
तीसरा है द्रोणाचार्य अवार्ड, लेकिन द्रोणाचार्य अवार्ड है ये प्लेयर्स नूं नहीं मिलता, ये जिहड़ा अवार्ड है ये मिलता जी कोचिज नूं, कोच जिहड़े हुंदे उन्हां नूं मिलता द्रोणाचार्य। सो काफ़ी इंपोर्टेंट है ये अवार्ड्स, आप याद रखने। सो पटियाला की स्थापना किने कीती सी? बाबा आला सिंह, ये आप याद रखना है, ये पूछे हुंदा है बाबा आला सिंह ने पटियाला की स्थापना कीती सी। ते लुधियाना नूं आपां की बोलदे? मानचेस्टर ऑफ पंजाब। क्लियर है? सो ये सारी चीज़ आप याद रखनी है इंपॉर्टेंट। सो खेडा का समान जिहड़ा है वह मिलता है जलंधर के। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पंजवां देखो की है, वट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ द नेम पंजाब। सो पंजाब नाम का शाब्दिक अर्थ की है? पांच दरियावां की धरती, सत दरियावां की धरती, माउंट आबू के नेड़े का इलाका, या फिर पांच पांडवों का राज। हाँ जी, सो पंजाब का मतलब की है? सो पंजाब जिहड़ा नाम है ये किस तो मिलकर बनया, पे दसना है कितों ही नाम है जिहड़ा ये लिया गया। तो ये तो क्वेश्चन ईजी है, सारे नूं आंदा होगा। तो पंजाब जिहड़ा नाम है ये आप लिया जी पांच दरियावां की धरती तो, दैट इज पांच प्लस आ, पांच मतलब होंगे जी फाइव, आ मतलब होंगे रिवर्स। तो पांच दरियावां तो मिलकर यह बने पंजाब। तो पांच दरिया किहड़े हैं फेमस? सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, ते पंजवां है जी जेलम। तो सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब ते जेलम, ये पांच जिहड़े इंपोर्टेंट दरिया है। सो लैंड ऑफ फाइव रिवर इज द करैक्ट आंसर, दैट इज पंजाब। कैपिटल है पंजाब की चंडीगढ़। ठीक है जी, चंडीगढ़ का आर्किटेक्ट कौन सी जी? ली कॉर्बूसियर, भी आप याद रखना है चंडीगढ़ का आर्किटेक्ट। क्लियर है? चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि इन विच ईयर ईस्ट इंडिया कंपनी अनेक्स पंजाब। सो कि साल ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब को अपने नाल मिला लिया सी? 1847, 48, 49 या फिर 50? हाँ जी, सो ईस्ट इंडिया कंपनी कह लो या फिर तुम लॉर्ड डलहौजी कह लो, अंग्रेजों वालों कह लो, कुछ भी पूछ सकते हैं। सो कि साल इन्होंने अपने एरिए पंजाब को मिला लिया सी? सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बारे ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं। चलो सो देखते हैं करेक्ट आंसर की है। सो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब में अपने एरिया मिला लिया सी जी 1849 दे विच। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर 1849। तो आप पता है सैकेंड एंगलो सिख वॉर, दूसरी जी एंगलो सिख लड़ाई है कदों हुई सी? 1848-49 दे विच। सो 1849 दे विच लॉर्ड डलहौजी वालों, जो कि उस टाइम इंडिया दे विच गवर्नर जनरल सी, उन्हों पंजाब नू अपने एरिया दे विच मिला लिया। ठीक है जी, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो सतवां क्वेश्चन है, हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब द मोस्ट टाइम्स। सो कहिंदे पंजाब दे सब तो वध वार मुख्यमंत्री कौन बने सी? प्रताप सिंह कैरो, प्रकाश सिंह बादल, शिवराज बी पाटिल या फिर जस्टिस गुरनाम सिंह। तो सब तो ज़्यादा देर ले जो पंजाब दे सीएम बने वो कौन से? सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो सब तो ज़्यादा बार जिहड़े पंजाब दे मुख्यमंत्री बन चुके हैं उन्हां वो जिहड़ा खिताब है वो हासिल है जी प्रकाश सिंह बादल। सो बी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर, दैट इज प्रकाश सिंह बादल। सो प्रकाश सिंह बादल 1970 दे विच पंजाब दे सीएम बने, चीफ मिनिस्टर बने, उस तो बाद ये बने 1977 दे विच 1977। उस तो बाद ये बने सी जी 1997 दे विच, ये भी आप याद रखना है। 1997 तो बाद ये बने सी 2007 दे विच, ते 2007 तो बाद ये बने सी जी 2012। सो सब तो वध वार जिहड़े पंजाब दे मुख्यमंत्री बने वो बने जी प्रकाश सिंह बादल।
1970, 1977, 1997, 2007, 2012। क्लियर है? सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, अठवां क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज पंजाबी फोक डांस इज नॉट ए मेल डांस। सो इन्हें विचों केड़ा पंजाबी लोक नाच मर्दा का नाच नहीं है, जेड़ा आप दसना है भी जेड़ा मर्दा का नाच नहीं है, वो केड़ा मर्दा का नाच नहीं है। झूमर, भंगड़ा, मलवई गिद्दा या फिर सम्मी। हाँ जी, इंपॉर्टेंट है जी, जेड़ा मर्दा का नाच नहीं है, आपको दसना है इन्हों के विचों केड़ा नहीं है। चलो सो देखते हैं जी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की होगा। सो देखो, यह आंसर होगा अपना डी ऑप्शन, दैट इज सम्मी। सो सम्मी जेड़ा डांस है यह मर्दा का नाच नहीं है। सो सम्मी जेड़ा नाच है यह रिवायती औरतों वालों किया जाता है, ठीक है, लेकिन मलवई गिद्दा, भांगड़ा, झूमर, यह जेड़ा डांस है यह मेल डांस है जो कि पंजाब दे विच फेमस फोक डांस है। सो याद रखना है डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सम्मी। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नौवां क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। सो पंजाब के पहले मुख्यमंत्री कौन से, वेरी इंपॉर्टेंट। गोपी चंद भार्गव, प्रताप सिंह कैरो, लक्ष्मण सिंह गिल या फिर भीम सेन सचर। हाँ जी, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, पंजाब के पहले चीफ मिनिस्टर सी जी, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज गोपी चंद भार्गव। सो गोपी चंद भार्गव सी ये पंजाब के पहले मुख्यमंत्री सी, अपना इन्हों का नाम याद रखना है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के बहुत बार पूछा जाता है। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो जी, टेंथ क्वेश्चन है, विच सिटी इज पंजाब कैपिटल। सो पंजाब की राजधानी शहर केड़ा है, लुधियाना, अमृतसर, चंडीगढ़ या फिर पटियाला। हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये तो सारे नु पता है जिहड़ी अपनी पंजाब की कैपिटल है वो कि है जी चंडीगढ़। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज चंडीगढ़। चंडीगढ़ के आर्किटेक्ट है जी ली कार्बूसियर, ली कार्बूसियर। चंडीगढ़ का होर निकनेम की है, चंडीगढ़ नु आपां बोलदे जी सिटी ब्यूटीफुल, सिटी ब्यूटीफुल। एंड चंडीगढ़, चंडीगढ़ इज ऑल्सो द कैपिटल ऑफ हरियाणा, ऑल्सो द कैपिटल ऑफ हरियाणा। सो ये अपनी हरियाणा की भी कैपिटल है, ये भी याद रखना है चंडीगढ़, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज चंडीगढ़, चंडीगढ़। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो जी, अगला क्वेश्चन। सो 11वां क्वेश्चन है, विच सिख जनरल होस्टेड निशान साहिब ऑन रेड फोर्ट आफ्टर कंकरिंग दिल्ली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो कहते किड़े सिख जरनैल ने दिल्ली जीत के लाल किले ते निशान साहिब लहराया सी। भाई बघेल सिंह, भाई बाज सिंह, हरी सिंह नलुआ या फिर बंदा बहादुर। हाँ जी, सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये गल देखो 1783 की है, 1783 दे विच जदों है ना एक अपने सिख जरनैल जिन्हों का नाम से भाई बघेल सिंह, सो भाई बघेल सिंह तो उन्होंने फौजा ने दिल्ली जित लिया, तो दिल्ली जित के लाल किले के उत्ते है ना उन्होंने निशान साहिब लहराया, ठीक है।
सो इंपॉर्टेंट है, आंसर होगा जी अपना ए ऑप्शन, दैट इज भाई बघेल से। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो जी, अगला क्वेश्चन है 12वां, विच ऑफ दीज पंजाबी फोक डांस इज नॉट ए मेल डांस। सो इन्हां विचों केड़ा पंजाबी लोक नाच औरतां दा, अच्छा ये मेल्स का नहीं कह रहे, ये फीमेल्स का कह रहे, ठीक है, औरतों का नाच नहीं है। सो केड़ा औरतों का नाच नहीं है आप दसना, जागो, जुगनी, गिद्धा या फिर किकली। हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट, केड़ा औरतों वालों नाच नहीं किया जाता आप दस। सो देखो जो जागो है तो औरतों वालों किया जाता है, गिद्धा भी किया जाता है, किकली भी औरतों वालों पाई जाती है, लेकिन जो जुगनी है, जुगनी डांस मर्दों का डांस है पंजाब दे विच, इट इज ए मेल सॉन्ग, मेल डांस। ठीक है जी, सो आंसर होगा अपना बी ऑप्शन, दैट इज जुगनी। तो जुगनी नू मर्दों वालों किया जाता है, आपने यही पूछा सी भी केड़ा औरतों का नाच नहीं है। ठीक है, आपने इतने औरतों का नाच नहीं है, आपने यही पूछा गया सी, सो जुगनी एक औरतों का नाच है नहीं है, जागो, गिद्धा ते किकली औरतों के इंपॉर्टेंट नाच। नेक्स्ट देखो 13वां क्वेश्चन है, विच रिवर सेपरेट्स मालवा एंड दुआबा। सो केड़ी नदी मालवे ते दुआबे नू वक्त करती है, सतलुज, रावी, ब्यास या फिर झेलम। वेरी इंपॉर्टेंट, सो वेरी इंपॉर्टेंट, मालवे ते दुआबे नू वक्त करने वाली नदी केड़ी है। सो इंपॉर्टेंट है जी, मालवे ते दुआबे नू वक्त करने वाली जिहड़ी नदी है वो केड़ी नदी है, सतलुज। सो ये सतलुज नदी है, सतलुज नदी तो दक्षण वाल जिहड़ा क्षेत्र है इनू मालवा कहा जाता है, तो सतलुज नदी तो जिहड़े उत्तर वाले खेत्र है इनू दुआबा कहा जाता है। ठीक है जी, सो इंपॉर्टेंट है ये है जी सतलुज नदी, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सतलुज। सतलुज नदी के किनारे आपां शहर पूछा जाता है, केड़े केड़े शहर है, सो दो पंजाब के जड़े शहर है, एक है लुधियाना ते दूसरा है फिरोजपुर, ये सतलुज नदी के किनारे है, ये भी आप याद रखने हैं। सो इंपॉर्टेंट है ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सतलुज। नेक्स्ट देखते हैं जी अपना इसका अगला क्वेश्चन, सो अगला क्वेश्चन देखो की है, 14वां क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द टैबली ऑफ पंजाब इन द रिपब्लिक डे परेड 2021 न्यू दिल्ली। सो नवी दिल्ली विच कहिंदे गणतंत्र दिवस परेड जिहड़ी 2021 विच होई सी उस विच पंजाब दी झांकी दा विशा की सी। सो 2021 दी दसनी आपां, ठीक है, सो उहदे विच पंजाब दी झांकी दा जिहड़ा थीम है विशा की सी, जलियांवाला बाग दा साका, गुरु तेग बहादुर जी दी शहादत, संगत ते पंगत या फिर महाराजा रणजीत सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ जी, सो बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इसका आंसर है अपना सेकंड ऑप्शन, दैट इज गुरु तेग बहादुर जी की शहादत। सो गुरु तेग बहादुर जी की शहादत मेन झांकी सी 2021 की। सो देखो गुरु तेग बहादुर जी नूं हिंद की चादर भी कहिंदे, क्योंकि आपां नूं पता है भी इन्होंने कश्मीरी पंडितों नूं है ना उस वेले हो रहे अत्याचार जिहड़े सीगे उन्हां नूं जबरदस्ती जिहड़ा धर्म परिवर्तन से कराया जा रहा है उहदे खिलाफ गुरु जी ने आवाज़ उठाई सी। सो गुरु तेग बहादुर जी की शहादत नूं 2021 की झांकी दे विच दिखाया गया सी। सो 1675 दे विच इन्हां नूं दिल्ली दे चांदनी चौंक दे विच शहीद कर दिता गया सी, गुरु तेग बहादुर जी सिखां दे अपने नौवें गुरु। ठीक है जी, सो इंपॉर्टेंट, सैकेंड ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर। तो चलते हैं फिर अज दे सैशन दे अपने लास्ट क्वेश्चन ते, अमृतसर शहर दे नेड़े स्थित राम तीर्थ मंदिर केड़े भगवान या फिर संत नूं समर्पित। सो राम तीर्थ टेंपल नियर अमृतसर सिटी इज डेडिकेटेड टू विच गॉड या फिर सेंट, महर्षि वाल्मीकि, भगत कबीर, श्री कृष्ण या फिर भगवान राम। सो वेरी इंपॉर्टेंट, अमृतसर शहर के नेड़े एक जगह है राम तीर्थ, राम तीर्थ मंदिर भी इत्थे। सो ये जड़ा है फेमस है ये है जी महर्षि वाल्मीकि जी नूं समर्पित है, मन्या जांदा है भी इत्थे महर्षि वाल्मीकि
उन्हां दे एक प्राचीन आश्रम सी ते उस आश्रम दे विच महर्षि वाल्मीकि ये जड़े ओह रहिंदे सी। ठीक है जी। सो महर्षि वाल्मीकि जी नूं समर्पित है मंदिर, नाम है दा राम तीर्थ। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज महर्षि वाल्मीकि। क्लियर है? चलो। सो ए सी अज दे अपने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप तुहानू सैशन समझ आया, सैशन अच्छा लग्या तो लाइक कर दिओ, शेयर कर दिओ। सो इसे तरीके दे नाल चैनल दे विच बने रहो ते देखते रहांगे आपां इंपोर्टेंट अपने क्वेश्चंस नूं। ठीक है जी। सो अज लई इन्ना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अपने नैक्सट पार्ट दे विच। टिल देन थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।